प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम। जैसा कि आज शुक्रवार है और मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ कुंडली लेकर के। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये और फिलहाल दुबई में रहते हैं। इन्होंने अपनी कुंडली संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए मुझे भेजी है। आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम जरूर लिख करके भेजिएगा। नमस्कार जरूरी नहीं है, आज डेट ऑफ बर्थ भेजिए और अपनी कुंडली के चयन के लिए सोमवार का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, क्योंकि वहीं पे मैं उन तीन नामों की घोषणा करूंगा जिनका आने वाले दिनों में मैं संपूर्ण विश्लेषण करता हूं। तो आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर से जरूर लिखिएगा। मैं खुद चाहता हूं कि आपकी कुंडली का बेहतरीन वीडियो बनाया जाए। जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो राजा भरत जो कि राजा ऋषभदेव के पुत्र थे। राजा ऋषभदेव जो थे वो जीवन के अंतिम काल में जब उन्होंने संन्यास धारण किया था तो अजगर की भांति रहते थे, अपने शरीर के किसी भी अवस्था से बिल्कुल परे जा करके, और ठीक उनके पुत्र राजा भरत हुए। मृग से उनका मोह हो गया था, तभी तो उनके बारे में भागवत में एक चर्चा आती है, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। वो मोह से मुक्त थे लेकिन अंतिम समय में उनका मोह मृग के बच्चे से, मृग शावक से हो गया, और अगले ही जन्म में क्योंकि निरंतर मृग के निकट रहने से, उसका ध्यान करने से, उसके प्रेम में आश्रित हो जाने के कारण और बहुत ज्यादा लिप्त हो जाने के कारण उनका अगला जन्म मृग का हो गया था, जो बाद में चल के जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए थे उसके अगले जन्म में। आपके निकट रहने वाले लोग कैसे हैं और किस पशु के साथ आप रह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा विचारणीय है। आपके घर में जो पशु है अगर वो कुछ ऐसा है कि आपकी स्थिति उससे बहुत ज़्यादा निकट की हो रही है तो थोड़ा बच के रह जाना चाहिए। डोंगरी जी कहा करते थे, महाराज डोंगरी संत थे, वो हमेशा कहा करते थे कि जो इस जन्म में कुत्ता पालते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। विक्रम संवत 2038, शक संवत 1904। अगर आपका जन्म 1982 से 83 के बीच में हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जन्म युवा संवत्सर में हुआ है, और युवा संवत्सर में जन्मे लोग श्रेष्ठ मति बुद्धि के होते हैं। अपने जन्म स्थान से कई बार इन्हें दूर जाकर के बसते देखा गया है और साथ ही साथ थोड़े महत्वाकांक्षी भी होते हैं। कई बार इनके धन को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा चोरी करते या हरते हुए भी देखा गया है। ये कई बार सुदखोरी का काम भी करते देखे गए हैं। युवा संवत्सर में जन्मे लोग धार्मिक होते हैं और कई बार ये कट्टर धार्मिक भी हो जाते हैं। ज्योतिष आदि विद्याओं में इनकी रुचि भी होते देखी गई है। कई बार ये धर्मांधता के भी शिकार हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है इनका जन्म का जो अयन है वो उत्तरायण का है, तो उत्तरायण में जन्मे लोग श्रेष्ठ होते हैं, मानसिकता अच्छी होती है, कमजोर नहीं होते हैं, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, आत्मविश्वास अगर सूर्य मजबूत रहा तो श्रेष्ठ होता है और ठीक होता है। कहीं ना कहीं उत्तरायण में जन्मे लोगों की स्थिति दक्षिणायन वालों से अच्छी और बेहतर होते देखी गई है। काम में विलंब नहीं होता है, चीज़ें टाइम पर मिलती हैं और व्यक्ति स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा का भरा होता है। आगे बढ़ने पे पता चला तो जन्म कुंडली में ये पंचांग जो है वो ज्येष्ठ माह के ग्रीष्म ऋतु में है, तो ज्येष्ठ माह में जन्मे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जा करके अपने क्रोध पे विजय पा करके और साथ ही साथ दान आदि में भरोसा रखने वाले होते हैं। ये कई बार तीव्रता से बढ़ चढ़ करके दान देते हैं, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना जानते हैं, जलपान कम करते हैं और मेहनत ज़्यादा करते हैं। तीव्रता से आगे बढ़ने का जो जुनून इनके अंदर देखने को मिलता है वो शायद ही किसी मौसम में जन्मे लोगों के बीच में देखने को मिलता है। ज्येष्ठ माह और ग्रीष्म ऋतु, व्यक्ति क्रोध पे नियंत्रण रखने वाला और अत्यंत तीव्रता से क्रोध न करने वाला भी होता है। हालांकि अगर स्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो व्यक्ति क्रोध के सीमा को पार करके और नुकसान और लाभ की स्थिति से दूर जा करके क्रोध करता है, अर्थात तीव्रता से क्रोध कभी कभी आ जाते हैं लेकिन बाद में उस पर पश्चाताप व्यक्ति करना नहीं भूलता है। ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ माह,
कृष्ण पक्ष के दसवीं तिथि का जन्म। पूर्णा तिथि का जन्म होने के कारण व्यक्ति परिपूरित है, मानसिकता श्रेष्ठ है। कृष्ण पक्ष के दसवीं तिथि के चंद्रमा पापक ग्रह होते हैं और ऐसी स्थिति में वो थोड़े कमजोर से फल करने वाले होते हैं। जन्म कुंडली में अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही तो वो पापक हो जाते हैं और इसका प्रभाव क्या होगा वो आगे बताऊंगा। कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि दिन बुधवार का है, मतलब व्यक्ति स्वभाव से ही व्यवसायिक है। व्यक्ति स्वभाव से ही अपने से बड़े और गुरुजनों का आदर करने वाला होगा, जीवन पर्यंत धर्म की रक्षा करने वाला और धर्म का आचरण करने वाला होता है। अपने जन्म स्थान से चाहे कितनी ही दूर चला जाए अपने संस्कारों को ये पालित करने वाला ही होता है। अपने से गुरुजनों के आशीर्वाद की आकांक्षा रखता है और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है। अगर बुधवार का व्यक्ति का जन्म हुआ है तो आयु भी अच्छी खासी होती है। व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा चंचल और चलायमान होते देखा गया है। ये शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि, दिन बुधवार और नक्षत्र रोहिणी का है, अर्थात रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण शोभन योग और वणिजकरण में इनका जन्म हुआ है। दिन बुधवार का प्रभाव मैंने जहां बताया वही रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव अगले ही सेशन में बताऊंगा, यहां रुक करके। और उसके बाद शोभन योग, व्यक्ति अच्छी खासी शरीर को धारण करने वाला, लंबे शरीर को और लंबी भुजाओं को धारण करने वाला होगा। अगर कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी रही तो व्यक्ति लंबे और मध्यम कद की लंबाई का भी हो सकता है। उसके बाद स्थितियां अगर देखता हूं तो व्यक्ति शारीरिक रूप से कभी कभी पेट से संबंधित समस्याओं से जूझने वाला होता है। अपच, एसिडिटी, जलन और कभी कभी वात संबंधित समस्या को भी देने वाले या पित्त जनित बीमारियों को भी रखने वाला व्यक्ति हो जाता है। ये स्थितियां कुंडली देखने पे स्पष्टतया सामने आ जाएंगी। आगे बढ़ने पे पता चला तो मैंने कहा शोभन योग और वाणिज्यकरण, व्यक्ति वाणिज्यिक संसाधनों का मालिक होता है। व्यक्ति कई बार अपने काम पे ही ज्यादा फोकस करता है, किसी दूसरे के लफड़े और पचड़े में ना पड़के अपनी स्थिति को मजबूत और मेंटेन करना चाहता है। वाणिज्यकरण में जन्मे लोग श्रेष्ठ व्यवसायिक होते हैं और अपने लाभ के प्रति काफी संजीदगी से जीवन बिताने वाले होते हैं। ये इनका पंचांग था। आगे अब चर्चा जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में उपस्थित ग्रहों की कर लेते हैं। जगत के चक्षु, जगत पालक, जगत नियंता, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और श्रेष्ठ कर्मों के विधाता माने जाते हैं सूर्य। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हुई तो व्यक्ति नास्तिक और बुरे कर्मों को करने वाला होता है। आपकी कुंडली के लिए, जो कि सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली में दशम भाव के अधिपति होते हैं, जहां 5 नंबर लिखा है, ये 8 नंबर का लिखा होना यानी कि 8वें नंबर की राशि, 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है, और दशम भाव में 5 नंबर की राशि का लिखा होना यानी कि सूर्य यहाँ के अधिपति बनते हैं। जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति होते हैं सूर्य। ये आपकी कुंडली में कारक, अकारक और तटस्थ होने हैं, ये इसके बारे में चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन ग्रह स्थिति में सबसे पहले जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं अष्टम भाव में, दशमेश होकर के अष्टम भाव में गए हैं, बुध की राशि में, मित्र के राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ इनके साथ तात्कालिक मित्रता में ये संबंध जो बन रहा है वो मित्रता का बन रहा है। अंश के आधार पर अगर देखते हैं तो एक अंश 32 कला, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और साथ ही साथ ये इनके मित्र भी होते हैं मंगल। तो ये बात तो ठीक है कि नक्षत्र मित्र का रहा, भाव मित्र का रहा, लेकिन राशि जो है वो मित्र की रही लेकिन भाव थोड़ा सा कमजोर मिला। और साथ ही साथ एक अंश 32 कला पे ग्रह बाल अवस्था का हो जाएगा, चूंकि ये राशि विषम संख्या की है, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति पोजिशन के हिसाब से, राशि के हिसाब से ठीक बनती है, लेकिन डिग्री के हिसाब से वो बाल अवस्था के हैं, इस वजह से चतुर्थांश या थोड़े कम फलों को देने वाले होंगे। अब अगली चर्चा ममत्व के कारक ग्रह चंद्रमा पे कर लेते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा ठीक ठाक हो ना तो व्यक्ति का मन नियमित रहता है और वो भटकता बड़ा कम है। आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा बनते हैं भाग्य भाव के अधिपति, जहां 4 नंबर लिखा है। ये कुंडली का त्रिकोण होता है, बैठे कहां हैं, गुरु की राशि में। गुरु और चंद्रमा का संबंध अगर देखते हैं तो तात्कालिक मित्रता में शत्रुता में जा रहा है, इस वजह से चंद्रमा यहाँ शत्रु के हो जाएंगे। और साथ ही साथ अवस्था के हिसाब से ये 23 अंश 35 कला नक्षत्र रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है और साथ ही साथ ये डिग्री जो है ये 23 अंश की है और ये राशि सम संख्या की है। इस आधार पर यहाँ पर चंद्रमा आपकी कुंडली में कुमार अवस्था में होंगे। अब अगली चर्चा मंगल की कर लेते हैं। मंगल तेज और पराक्रम का कारक होता है, फुर्तीला होने का कारण होता है।
आपकी कुंडली में जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यहाँ पे मंगल ही लग्नेश होते हैं, उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के रोग भाव में यानी कि छठे भाव में बनती है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के उनको बैठना था या तो यहाँ और या तो यहाँ, लेकिन बैठे हैं लाभ भाव में बुध की राशि में। बुध मंगल के मित्र नहीं होते हैं, शत्रु होते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो तात्कालिक मित्रता में ये बुध तीन घर आगे जाने के कारण ये अति शत्रु के हो जा रहे हैं। अर्थात बुध की राशि में मंगल के बैठने का प्रभाव क्या होगा ये तो देखने लायक होगा, लेकिन जन्म कुंडली में मंगल जो बैठे हैं वो अति शत्रु की राशि में और अवस्था के हिसाब से हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। ये दोनों ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में 13 हंस 45 कला, ये डिग्री युवा की है क्योंकि ये ग्रह जो है, ये राशि जो है, ये सम संख्या की है। सम संख्या में 13 हंस 45 कला पे ग्रह युवा हो जाता है और ऐसी स्थिति में कि मंगल आपकी कुंडली में जो कि लग्नेश हैं, अति शत्रु की राशि में बैठे हैं और युवा हैं, तो जो फल करेंगे वो एक्टिव होने के हिसाब से करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव पक्ष होगा इनका वो अति शत्रु में जाने का क्या होगा ये देखने लायक होगा। बुद्ध बुद्धिमता के कारक होते हैं, चापलूस होते हैं, चंचल चपल चालाक और कुमार अवस्था के ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली के लिए बुध बनते हैं लाभ भाव के अधिपति, उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनती है। अष्टमेश और लाभेश होकर के, यानी कि अष्टम भाव का अधिपति अष्टमेश कहा जाएगा और लाभ भाव का अधिपति लाभेश कहा जाएगा। दरअसल बुध को या तो बैठना था यहाँ या फिर यहाँ, लेकिन बैठे कहाँ, वो जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र की राशि में। शुक्र उनके मित्र होते हैं और तात्कालिक मित्रता में बिल्कुल निकट ही हैं शुक्र अपनी राशि से, इस वजह से बुध अति मित्र की राशि में बैठे हैं। और अंश के आधार पर 13 हंस 21 कला, ये नक्षत्र जो है ये रोहिणी का है, चंद्रमा का नक्षत्र, और ये डिग्री के हिसाब से चूंकि सम संख्या की ये राशि बनी, दो सम संख्या है, इस आधार पर ये बुध आपकी कुंडली के लिए युवा हो रहे हैं। गौर करिएगा, यहाँ पर भी ग्रह 13 हंस का था तो युवा हुआ था क्योंकि ये सम संख्या है, यहाँ पर भी ग्रह 13 हंस के करीब का है और सम संख्या है, इस वजह से ये युवा हो रहा है। तो सम संख्या में 13 हंसों पे ग्रह युवा हो जाते हैं। अब अगली चर्चा देवगुरु बृहस्पति की कर लेता हूँ। आइए क्या देखते हैं उनकी स्थिति बनी है आपकी कुंडली में। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, सुख के निर्माता और साथ ही साथ धन के सदगति के कारक होते हैं। अगर इनकी कुंडली में स्थिति अच्छी रही और वो श्रेष्ठ भूमिका में रहे तो व्यक्ति को आजीवन सुख और सौख्य देने वाले होते हैं। विचार करिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है। वो जन्म कुंडली में बनते हैं पंचम भाव के अधिपति, यानी कि 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है और मीन राशि के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति। वो जाकर के जन्म कुंडली में इनकी दूसरी राशि जो कि मूल त्रिकोण राशि है जन्म कुंडली के धन भाव में बनती है, यहाँ के और यहाँ के, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 12वें भाव में, जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये उनके शत्रु की राशि होती है। शत्रु की राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ अंश में 7 अंश पे हैं, वक्री हैं ये, तो कहीं ना कहीं पिछले भाव का भी फल करेंगे यानी कि 11वें भाव का, लाभ का भी। स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, ये राहु का नक्षत्र है और तात्कालिक मित्रता में ये शुक्र के साथ शत्रुता में जा रहे हैं, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, कुमार अवस्था के होकर के बैठे हैं अंश के आधार पर। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चर्चा कर लेते हैं। भोग और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र अगर कुंडली में अच्छे रहे तो व्यक्ति आजीवन भौतिकता का जीवन और भौतिकता से युक्त जीवन जीता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र जो कि बनते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति, जहां 7 नंबर लिखा है, उनकी दूसरी राशि का निर्माण जन्म कुंडली के मारक भाव यानी कि सप्तम भाव में बनती है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के छठे भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठना था इन दोनों भावों में, लेकिन बैठे हैं कहाँ, जन्म कुंडली के रोग भाव में, अपने राशि से बिल्कुल पीछे। और साथ ही साथ अगर डिग्री की बात करते हैं तो 25 हंस 55 कला भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में, तो ग्रह अगर अपने ही नक्षत्र में बैठता है तो अच्छा फल देने वाला या अपने फल को अच्छे तरीके से देने वाला होता है। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति 25 हंस 55 कला की है और इस आधार पर ये विषम संख्या में बैठे हैं। 1 नंबर की संख्या विषम संख्या कही जाती है, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में ये मृतप्राय हो रहे हैं। तो शुक्र जो कि जन्म कुंडली के 12वें और सप्तम भाव के अधिपति, दाम्पत्य के कारक, भोग और ऐश्वर्य के कारक होते हैं, वो मृतप्राय देखे जा रहे हैं, यानी कि वो थोड़े से अपने प्रभाव को कमतरी से देने वाले या निगेटिव जा रहे हैं क्योंकि वो रोग भाव में बैठे हैं। इसकी चर्चा आगे करूंगा। अब शनि के बारे में विचार कर लेते हैं। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी रही तो व्यक्ति को कई बार तकलीफें कम भी मिलती हैं,
और आपकी कुंडली के लिए शनि वास्तव में कहां कहां के अधिपति बनते हैं, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं ये चतुर्थ भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति, यानी कि एक तो सुख भाव संभाला और तीसरा पराक्रम भाव। अगर इन दोनों भावों की चर्चा करते हैं तो जन्म कुंडली में चतुर्थेश और तृतीयेश होकर के, यानी कि चतुर्थ और तृतीय भाव के अधिपति होकर के शनि आपकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं लाभ भाव में बुध की राशि में, और मित्रता के भाव में बैठे हैं, हालांकि वो तात्कालिक मित्रता में नहीं शत्रुता में जा रहे हैं, तो इस वजह से वो शम राशि के हो गए, लेकिन अंश के आधार पर ये 21 अंश में बैठे हैं। 59 कला नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, शत्रु का नक्षत्र है, और डिग्री के हिसाब से ये कुमार अवस्था में जा रहे हैं। बात अब राहु और केतु की कर लेते हैं। आपकी कुंडली के लिए राहु अष्टम भाव में बैठे हैं और केतु द्वितीय भाव में, मूल त्रिकोणस्थ होकर के ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए श्रेष्ठ फलों के दाता भी होंगे लेकिन रोग भी देंगे, इसकी चर्चा अंतिम हिस्से में करेंगे। अब आइए आपको चर्चा में शामिल कर लेते हैं नक्षत्र का प्रभाव और कारक ग्रहों की स्थिति। नक्षत्रों के प्रभाव के अंतर्गत सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में नक्षत्र कौन सा है, और कैसे पता चलेगा, तो आपकी कुंडली में आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं यहाँ पे 12 नंबर की राशि में। अब ये देख लीजिए वहाँ पे कि वो कौन से नक्षत्र में है, वही आपका जन्म नक्षत्र है। बात समझ में आई? आपकी कुंडली में आपको सिर्फ ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें कुंडली देखने नहीं आती है या फिर अपने जन्म के नक्षत्र को पता लगाने में मुश्किल होती है। सिर्फ आपकी कुंडली में अगर चक्र है तो वहाँ ये देखिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, और सबसे पहले तो उन्हें कौन से भाव में देखना है कि वो कहाँ बैठे हैं। वो जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे नक्षत्र लिखा होता है, तो इनकी कुंडली में रेवती नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं और ये बुध का नक्षत्र होता है, ये सबसे अंतिम नक्षत्र होता है। रेवती नक्षत्र में जन्मे होने का प्रभाव क्या होता है इस पर जब चर्चा करते हैं तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो व्यक्ति धार्मिक होता है और कट्टर धार्मिक भी हो जाता है, अपने जन्म स्थान से दूर इसे जा करके धन कमाते हुए देखा जाता है, और बाहर जा करके अपने जन्म स्थान से दूर जा करके एस्टैब्लिशमेंट इसे मिल जाती है। 50 साल के बाद ही व्यक्ति का जीवन निरंतरता से स्थित हो पाता है, और साथ ही साथ ये व्यक्ति जो रेवती नक्षत्र में जन्मे होते हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धिमान होते हैं, व्यवसायिक होते हैं, और टेक्निकल चीज़ों में इनका दिमाग तीव्रता से काम करने वाला भी होता है। रेवती नक्षत्र में जन्मे होने का प्रभाव, चूंकि ये बुध से प्रभावित नक्षत्र होता है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति के ऊपर तीव्रता से हावी होते देखा गया है। रेवती नक्षत्र में जन्मे लोग श्रेष्ठ मति बुद्धि के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले, धार्मिकता से युक्त जीवन जीने वाले, अपने से बड़े और गुरुजनों का आदर करने वाले, श्रेष्ठ संतति से युक्त होते हैं। ये कई बार लालच भरी निगाह से होकर के और लालच से युक्त होकर के भी धन कमाने के पीछे भागते हैं। कई बार ये सूदखोरी का काम भी करते देखे गए हैं। सूदखोरी का काम करने से इन्हें कई बार लाभ तो होता है लेकिन एक ही साथ सम्मिलित होकर के नुकसान भी हो जाता है। कई बार कट्टर धार्मिक भी होते इन्हें देखा गया है। अगर जन्मस्थान से दूर जाकर के ये धन कमाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। व्यक्ति अच्छी मानसिकता का तो होता ही है, श्रेष्ठ शरीर और दिव्य शरीर को धारण करने वाला भी होता है। एक दिव्य देह के अंदर दिव्य मस्तिष्क का विकास होना इनकी कुंडली में और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के बीच में देखा जाता है। ये श्रेष्ठ नक्षत्रों में से गिना जाता है जो कि बुध से प्रभावित है, और ये अंतिम नक्षत्र होने के कारण ये सर्वथा रूप से अगर कहें तो सुकोमल नक्षत्र होता है जो तीव्र चंचल और चंचलता से युक्त ग्रह से प्रभावित होता है। अब आपकी कुंडली में कारक ग्रहों की चर्चा कर दूं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली होते हुए भी मंगल आपकी कुंडली में कारक नहीं होते हैं। आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारकत्व मंगल को, चंद्रमा को प्राप्त होता है, सूर्य को प्राप्त होता है और गुरु को प्राप्त होता है। भाग्य भाव के अधिपति होने के कारण चंद्रमा जहां आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक होंगे, दशम भाव के अधिपति होने के कारण सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे कारकत्व के रूप में विकसित होंगे, और साथ ही साथ तीसरा कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को मिल जाता है क्योंकि ये धन भाव के अधिपति, धन भाव में मूल त्रिकोण राशि बनी और पंचम भाव में गौण राशि बनी। इस आधार पर आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारकत्व चंद्रमा, दूसरा कारकत्व सूर्य और तीसरा कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को मिलता है। अकारक ग्रहों की चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली में अकारकत्व मंगल को होता है, लग्नेश होने के साथ साथ वो आपकी कुंडली के लिए अकारक भी सिद्ध हो जाते हैं।
कारण क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति होने के साथ साथ उनकी दूसरी राशि रोग भाव में बन जाने के कारण इन्हें अकारकत्व की स्थिति में गुजरना पड़ता है। बाधक ग्रहों की अगर चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली में बाधक ग्रह के रूप में बुध बनते हैं क्योंकि एक पापी भाव के अधिपति और अष्टमेश होते हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में बाधक या कमजोर या अकारक ग्रह के रूप में बुध जाने जाएंगे। उनका साथ निभाएंगे देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति और मारक भाव यानी कि सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। अकारक ग्रहों में शुक्र और बुध होंगे। कारक ग्रहों में चंद्रमा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति होंगे। तटस्थता के मामले में मंगल खुद हो जाएंगे। ये स्थितियां आपकी कुंडली में ग्रहों के कारकत्व की है और नक्षत्र का प्रभाव। अब आप आगे जन्म कुंडली के विश्लेषण पे आते हैं। आरंभ से सूर्य से शुरू करूंगा और अंतिम राहु केतु पे जाकर के खत्म करूंगा। अब आते हैं सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में एक एक करके ग्रहों की स्थितियों को समझ लिया, कारक ग्रह के बारे में चर्चा कर ली, नक्षत्र के प्रभाव के बारे में चर्चा करी और पंचांग भी देख लिया। अब चर्चा लग्न चार्ट के विश्लेषण पे आते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति को समझते हैं। तो जन्म कुंडली में सूर्य अगर मजबूत हुए तो व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, पिता के साथ और पैतृक संपत्ति का लाभ देते हैं, कैरियर और जिस भाव के भी अधिपति हैं उसके साथ उसका संबंध अच्छा अगर बन रहा हो तो व्यक्ति की कुंडली में हर चीज को बेहतरीन तरीके से देने वाले होते हैं। आपकी कुंडली में जो कि सूर्य दशम भाव के अधिपति होकर के जाकर के बैठे हैं अष्टम भाव में, ये थोड़ा नेगेटिव होगा क्योंकि वास्तव में दशम भाव के अधिपति का अष्टम भाव में जाना कमजोर होता है और ये ग्रह का जो संबंध होता है दशमेश होकर के अष्टम में जाना ये बड़ा अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ ये बैठे भी हैं तो बुध की राशि में और युति जो कर रहे हैं जिस ग्रह के साथ वो उनका प्रबल शत्रु माना जाता है। राहु के साथ सूर्य की स्थिति व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करेगी, माता पिता और पैतृक संपत्ति के लाभ को कमजोर करेगी, हो सकता है काम के लिए भागना दौड़ना पड़ा होगा जीवन के आरंभ में और आत्मविश्वास में कभी कभी चरमराहट वाली या दिक्कत होती है। अपने खुद पे व्यक्ति ही कई बार प्रश्न चिन्ह लगा हुआ महसूस करता है। नेत्रों में परेशानी यहाँ से हो जाएगी और लाभ दशम भाव के अधिपति होकर के लाभ की स्थिति को कम कर रहे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य को चूंकि अष्टम होने का दोष नहीं लगता है और ना ही अष्टमेश होने का दोष लगता है, परंतु फिर भी कई कुंडलियों में ये देखा गया है कि राहु के साथ जब सूर्य की स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति दूसरे के मजबूरी का फायदा उठाते भी देखा गया है और कई बार व्यक्ति को नेत्रों में परेशानी, गुदा द्वार से संबंधित समस्या, अपच, एसिडिटी, जलन और अजीर्णता की स्थिति को देखने में आती है। ये राहु यहाँ पे रोग व्याधि को देने वाले हो जाएंगे और व्यक्ति के आत्मविश्वास में सेंध लगाने वाले भी हो जाएंगे। वास्तव में अगर आप विचार करें तो सूर्य यहाँ नक्षत्र से तो ठीक है क्योंकि लग्नेश के नक्षत्र में बैठे हैं लेकिन वो रोगेश का भी नक्षत्र है। इस आधार पर यहाँ पे ये सूर्य आपकी कुंडली में रोग देने वाले बन रहे हैं। अपने आत्मविश्वास और अपने पिता के साथ संबंधों को बेहतर रखने की आवश्यकता है, कारण क्योंकि अभी आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा भी चल रही है और सूर्य चूंकि दशम भाव जो है ये पिता का भाव होता है, कैरियर का भाव, रोजगार का भाव और साथ ही साथ यहाँ जो स्थिति है ये जन्म कुंडली में एक मजबूत भाव होता है दशम भाव। यहाँ का अधिपति अगर किसी भी ऐसे भाव में बैठ जाए जो कहीं ना कहीं कमजोर और दुह स्थान हो तो निश्चित रूप से कैरियर को कमजोर कर देता है और व्यक्ति के जीवन में उठापटक वाली स्थिति को कर देता है। इस भाव पे अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस वजह से अगर गौर फरमाएं तो ये बात सीधे तरीके से निकल करके सामने आती है कि व्यक्ति के पैतृक संपत्ति का लाभ कम मिलते देखा गया है, व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य कई बार कमजोर होते देखा गया है या कई बार व्यक्ति के पिता का सहयोग बड़ा कम और निम्नता से मिलते देखा गया है। आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए सूर्य को नित्य प्रतिदिन जल, अर्घ और साथ ही साथ सूर्य से पहले जग करके सूर्य को अर्घ देने का काम करें, अनियमित जीवन से बाज आएं और श्रेष्ठता से अपने धर्म का पालन करें। ये सूर्य की बात है। यहाँ अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हैं ना, इस वजह से वो निगेटिव हो रहे हैं और आपके प्रभावों को वो कैरियर भाव को कमजोरी में ला रहे हैं और इस वजह से कई बार काम बदलने का दबाव, जितना काम करने के बाद क्रेडिट मिलना चाहिए या जितना प्रमोशन या धन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। व्यक्ति कई बार अधार्मिक प्रवृत्ति को अपनाने वाला हो जाता है, किसी गरीब या किसी ऐसे व्यक्ति का लाभ उठा लेता है जहां से उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति लाभ में और इतना ज़्यादा घुस जाता है कि सुदखोरी का काम भी करने लगता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने मानसिक चंचलता का शिकार भी होना पड़ता है। इस चीज़ से आपको कमजोरी तौर पर मिल रही है और ये जरूर है कि व्यक्ति सिर्फ धन का मारा मारा और धन के लिए ही काम करता है। अपने आत्मविश्वास और धार्मिकता के तत्व को और मजबूती
और प्रदान करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अष्टम भाव में सूर्य कहीं ना कहीं आपके नेत्र, पेट, लीवर आदि की समस्या और हड्डियों के रोगों को देने वाले भी हैं, और अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल अभी के समय में जरूरी है। इनकी सातवीं दृष्टि जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, जो कि मित्र की राशि होती है, यहां पड़ेगी और वहां बैठे हैं केतु। सूर्य की स्थिति राहु और केतु के साथ हो जाती है तो सूर्य को कमजोरी में देखा जाता है। नक्षत्र के अधिपति जो हैं आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, नक्षत्र के अधिपति यानी कि सूर्य जहां बैठे हैं और उस नक्षत्र का अधिपति जो है वो मंगल आपकी कुंडली का रोगेश बनता है, और साथ ही साथ उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि वो अति शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस वजह से नक्षत्र से भी सूर्य को बल थोड़ा कम मिलते देखा जा रहा है। ये बात क्लियर है तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया व्यक्ति को अपने सूर्य को मनाना होगा। सातवीं दृष्टि से जन्म कुंडली के धन भाव को देखेंगे तो कई बार व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत करने, घर से दूर जाने, और कई बार व्यक्ति ऐसी बातें बोल देता है कि सामने वाले को थोड़ा बुरा लग जाता है। हालांकि बनी है वहां पे गुरु की मूल त्रिकोण राशि तो व्यक्ति न्यायप्रिय वचन ही बोलता है, कम और मृदुभाषी ही होता है, लेकिन व्ययात्मक और व्ययाधिक की स्थिति भी देखी जा रही है क्योंकि धन भाव के अधिपति होकर के धनेश, धन भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं और वो अति शत्रु की राशि में भी बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के व्यय के आधिक्य को आसानी से देखा जा सकता है। एक सूर्य जो कि क्रूर ग्रह होते हैं, आपकी कुंडली के कैरियर भाव का अधिपति होकर के अष्टम भाव में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं और वहां से वो बैठे हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, अष्टम भाव में बैठा ग्रह या अष्टम भाव के अधिपति अगर कुंडली में अच्छे भी रहे ना तो थोड़ा निगेटिव जरूर हो जाते हैं। और ऐसे भी आपकी कुंडली में बुध जो कि आपकी कुंडली का प्रबल, कमजोर और बाधक ग्रह बनता है, उसके ही राशि में बैठे हैं सूर्य बैठे हैं। ऐसी स्थिति में धन की स्थिति को वो कई बार कमजोरी से दिखाने वाले होते हैं, व्यय अधिक के बढ़ाते हैं और कई बार पैतृक संपत्ति का लाभ भी कम मिलते देखा गया है। अब चर्चा चंद्रमा की कर लेता हूं। चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह होंगे, भाग्य भाव के अधिपति यानी कि त्रिकोण भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के त्रिकोण में बैठे हैं। यहां पे ये शत्रुग्रह ही हो रहे हैं लेकिन फिर भी पंचम भाव में बैठे चंद्रमा सर्व सुख प्रदायक होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कृष्ण पक्ष के दसवीं तिथि के हैं तो पापक हुए, और साथ ही साथ ये बैठे हैं जहां पे वो अकेले बैठे हैं। अगले ही भाव में शुक्र बैठा है लेकिन पिछले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो व्यक्ति को कई बार ये अपने जन्म स्थान से दूर भेजने का काम करते हैं और व्यक्ति के मानसिक स्टेबिलिटी को थोड़ा कम करते हैं। व्यक्ति भविष्य को लेकर के कई बार चिंतित और चिंताग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब चंद्रमा बैठे हों तो श्रेष्ठ संततियों का व्यक्ति मालिक होता है। एक बात यहां पे गौर करने वाली है, चूंकि यहां पे बन रही है गुरु की राशि और वो गुरु जाकर के जन्म कुंडली में स्त्री कारक ग्रह के रूप में बैठे हैं की राशि में बैठे हैं, इस वजह से पहली संतति जो होती है वो कहीं ना कहीं स्त्री संतति को होते देखा गया है। यहां से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा को देख रहा हूं तो थोड़े कमजोर दिख रहे हैं क्योंकि आगे पीछे, आगे तो ग्रह है लेकिन पीछे कोई ग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में मानसिक दुर्बलता के शिकार होने का और इम्यून के कमजोर होने को भी देखा जा रहा है। अगर ये शत्रुग्रही नहीं होते तो निश्चित रूप से यहाँ पे और ज्यादा फलों को देने वाले और व्यक्ति के सर्व सुख प्रदायक होने वाले ये ग्रह बन सकते हैं। परंतु फिर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चंद्रमा एक अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं क्योंकि वो पंचम भाव है और ग्रह भाव से सबसे पहले प्रभावित होता है। अब चर्चा अगर करूंगा तो इनके सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को ये देख रहे हैं। यहाँ पे मंगल और शनि बैठे हैं, एक ग्रह इनका मित्र होता है और दूसरा ग्रह शत्रु। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध होना व्यक्ति के लाभ को प्रभावित करेगा और कई बार व्यक्ति के लाभ को कई गुना कम करता है और कम करते देखा गया है, क्योंकि वास्तव में वहां पे जो राशि बन रही है वो बुध आपकी कुंडली के अष्टमेश भी होते हैं। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में बुध की राशि को जब चंद्रमा देखेंगे और वहां पे चंद्र मंगल योग की स्थिति बनेगी अर्थात व्यक्ति का लाभ जीवन पर्यंत भी बनेगा। परंतु अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रह हो ना तो कई बार व्यक्ति को लाभ से संतोष भी करना पड़ता है, और व्यक्ति अगर सुदखोरी का काम करे या किसी दूसरे को धन दे करके, या व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हों और किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो लाभ को कम करने वाला या कई बार अव्यवस्थित लाभ को दिखाने वाला भी हो जाता है। मानसिक दुर्बलता के कारण बनते हैं किसी न किसी का, और खास करके दाम्पत्य के सुख को ये थोड़ा सा कम करते हैं। मानसिक स्थिति थोड़ी सी पत्नी के साथ कमजोरी वाली होती है और कहीं ना कहीं उनके शारीरिक संबंध या फिर उनका शरीर जो होता है वो थोड़ा रुग्ण सा माना जाता है।
और ऐसा होते देखा गया है, क्योंकि चंद्रमा इम्यून का कारक, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक होता है, और कहीं ना कहीं ये पंचम भाव जो है वो पति और पत्नी के प्रेम संबंधों का भाव होता है। ऐसी स्थिति में कि शनि और मंगल जैसे दो दो पापक ग्रह अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे और ये अति शत्रु की राशि में बैठा ग्रह, तो कहीं ना कहीं इस पंचम भाव को वो सेंध लगाने का काम करेंगे ही करेंगे। इस वजह से मैं एक बात कहूंगा, और वैसे भी आप हैं वृश्चिक लग्न के, तो वृश्चिक लग्न के लोग क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा के भाव को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। तुरंत ही क्रोध आ जाता है, तीव्रता से क्रोध आता है, थक जाते हैं जल्दी, और साथ ही साथ वृश्चिक लग्न के लोगों में राजकुमार वाली स्थिति बहुत ज्यादा होती है। स्टेटस मेंटेन करने की एक प्रबलता जो है वो आसानी से देखी जा सकती है। तो गौर फरमाइएगा तो आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि वास्तव में लग्नेश लाभ भाव में बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। तो व्यक्तित्व को विकसित करना है और व्यक्तित्व को श्रेष्ठ करना है तो कहीं ना कहीं अपने इस मनोवृत्ति पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है और पति और पत्नी के बीच के संबंधों को प्रभावित नहीं होने देना है। आपकी कुंडली में मंगल लग्नेश होते हैं और वृश्चिक लग्न वास्तव में एक श्रेष्ठतम लग्न होता है। व्यक्ति तकनीक का जानकार होता है, जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाने वाला होता है, धन के लिए भागा भागा फिरता है और कमाता भी है, श्रेष्ठ और उच्च पदों का आसीन व्यक्ति होते देखा जाता है। मंगल की स्थिति आप देखिए तो आपकी कुंडली में बैठे हैं वो लग्नेश होकर के और रोगेश होकर के जाकर के लाभ भाव में शत्रुग्रही हो रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे वो बैठे हैं शनि के साथ जो कि उनका शत्रु माना जाता है। वक्री है शनि, इस वजह से कहीं ना कहीं ये दशम भाव का भी फल करेंगे, तो दशम भाव अच्छा बनते देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से देखता हूँ तो हालांकि शनि जो बैठेंगे लाभ भाव में और वो फल करेंगे दशम भाव का, तो वो उनके शत्रु का ही भाव बनेगा। परंतु फिर भी जो कि एक बहुत अच्छी बात ये देखने को बन रही है कि अगर व्यक्ति चंद्रमा चूंकि यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हैं, अब इनका कनेक्शन देखिए तो मंगल और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है, और उस मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पे पड़ रही है जो कि मित्र का भाव है। देवगुरु बृहस्पति मंगल के मित्र होते हैं। सातवीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ी और आठवीं दृष्टि रोग भाव पे जो कि अपनी ही राशि है। अब थोड़ा गौर करिएगा, आप अगर व्यवसाय का काम करते हैं ना, चूंकि लग्नेश है और लग्नेश से भी व्यवसाय देखा जाता है, अगर स्थितियां बने तो अपने धन को लगा करके कोई भी काम करे, खास करके जमीन से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति काम करे, जमीन खरीद लिया उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और बेचने का काम कर दिया, ट्रक वगैरह का व्यवसाय, मशीनरी का व्यवसाय, और अपने जन्म स्थान से दूर जा करके और अति दूर जा करके कोई भी काम जो प्रायः ट्रांसपोर्ट आदि का काम हो या कम्युनिकेशन का काम हो, दो जगहों को जोड़ने का काम हो, ये काम आप कर सकते हैं। टेंडर लेकर के, राज्य से जुड़ करके, देश से जुड़ करके अगर कोई भी काम करना चाहते हैं ये मंगल आपकी सहायता करेगा। और एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में जब जब भी मंगल का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर आएगा या मंगल की महादशा आएगी, तब तब ये मंगल आपको श्रेष्ठता से फल और लाभ देने वाला भी सिद्ध होगा, क्योंकि लग्नेश का लाभ में जाना थोड़े से प्रभावित जरूर कर रहे हैं, इस वजह से फल विलंब से या थोड़ा देते हैं, जितना देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, क्योंकि वास्तव में वो बाधक ग्रह है ना आपकी कुंडली के लिए, इस वजह से वो थोड़े से लग्नेश को प्रभावित भी कर रहा है बुरे तौर पे। ये बात सीधी है, लग्नेश अगर लाभ भाव में बैठे तो ये बात अच्छी है क्योंकि ये महाधनी योग लगा देते हैं, लेकिन वो जो राशि है वो उनके और वो भाव चूंकि पापक भाव होता है और वो ग्रह आपकी कुंडली के लिए थोड़ा कमजोर सा सिद्ध होता है, इस वजह से लाभ बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मिलेगा जरूर। मंगल की चौथी दृष्टि जब धन भाव पे पड़ेगी तो यहां से वो कभी कभी धन के हास के कारण भी बनेंगे, लेकिन मित्र की राशि को देख रहे हैं इस वजह से व्यक्ति अपने मेहनत के बदौलत और पराक्रम करके धन अर्जित कर ही लेता है। जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति अगर बस जाए तो श्रेष्ठ लाभ होगा। अगर कोई काम भी करना चाहता है तो जमीन से जुड़ करके कोई भी काम करे, वो मैंने जैसा कि बताया वो कर सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ थोड़ा कम है क्योंकि केतु बैठे हैं, हालांकि वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं तो मेहनत करने के बाद वो मिल भी जाना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुक्र की राशि में गुरु बैठे हैं और वो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होकर के बारहवें भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करना चाहिए, जन्म स्थान से दूर जाकर के बसने का काम करना चाहिए, और साथ ही साथ कुंडली ये इशारा करती है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
आपकी कुंडली में ट्रांसपोर्टेशन का काम बड़ा बेहतर बनता है। साथ ही साथ लैंड और जमीन से संबंधित अगर कोई भी काम, भूमि से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभदायक स्थितियों को दिखाने वाला है। शनि और चंद्रमा की स्थिति, शनि और चंद्रमा की स्थिति का बनना, शनि और मंगल दो शत्रु कारक ग्रह जन्म कुंडली के लाभ में बैठे हैं और ये शनि जो है आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं होते हैं। कारण, क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि तो बनी है परंतु फिर भी वापस में घूम के आते हैं तो त्रिक भाव के भी अधिपति बनते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का तीसरा भाव त्रिक भाव भी कहा जाता है। इस वजह से जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि बनने के बाद भी शनि आपकी कुंडली में कारक नहीं होंगे और वो जाकर के बैठे हैं लाभ भाव में, यानी कि सब चतुर्थ भाव के अधिपति अपने भाव से कहाँ गए, जन्म कुंडली में षडाष्टक में गए। सुख का अधिपति लाभ में, लाभ का संबंध सुख से बन जाए या सुख का संबंध लाभ से बन जाए। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा, गौर करिएगा और ध्यान से, जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति बने चंद्रमा और सुख भाव के अधिपति बने शनि, इन दोनों के दृष्टि के संबंध के बनने से व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छे योगों का निर्माता और कुंडली श्रेष्ठ फल और श्रेष्ठ फल को देने वाली हो जाती है। आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा यहाँ पे लाभेश, दशमेश, नवमेश और सुखेश बनते हैं। हालांकि शनि आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं होते हैं परंतु फिर भी वो भाग्य भाव के अधिपति को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं भाग्य भाव का अधिपति आपके सुख भाव के अधिपति को देख रहा है। इस वजह से इन दोनों का संबंध श्रेष्ठ फलदायी होगा और व्यक्ति को लाभ देने वाला ही होगा। परंतु इन दोनों ग्रहों की स्थितियों को जब विचार करते हैं, जो यहाँ बैठे हैं हस्त नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं और मंगल भी हस्त नक्षत्र में ही बैठे हैं, हस्त नक्षत्र में बैठ करके चंद्रमा को ही देखने का काम करेंगे तो व्यक्ति के माध्यमिक शिक्षा को वो कई बार अवरोध में डालने वाले, पत्नी के साथ प्रेम संबंधों को जवान होने से पहले थोड़ा सा कमजोर करने वाले, पैतृक संपत्ति के लाभ को कम, यश गौरव मान पद प्रतिष्ठा में थोड़ा सा सेंध लगाने वाले और कहीं ना कहीं उसमें उठापटक वाली स्थिति को भी दिखाएंगे। ये बात पक्की है क्योंकि ये दोनों पापक ग्रह हैं और निश्चित रूप से इस भाव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक रोगेश भी तो है, रोग भाव का अधिपति पंचम भाव को देख रहा है, मित्र भाव को देख रहा है परंतु फिर भी वो रोगेश होने के कारण इसको जरूर प्रभावित करेगा। यश गौरव और चीजों को मिलने की जो स्थिति बनती है, जो चीजें मिलती हैं मेहनत करने के बाद, क्योंकि ये पंचम भाव जो है वो पराक्रम के फल का भाव है, आपके द्वारा किए गए मेहनत के फल का भाव है और इस आधार पर ये उसके फल को कम कर देता है। ये मंगल की दृष्टि का प्रभाव था। अब बुध की चर्चा कर देते हैं। तो आपकी कुंडली में बुध जो कि बहुत अच्छे ग्रह के रूप में नहीं उभर के ये सामने आएंगे, कारण क्योंकि वो एक तो अष्टमेश बनते हैं और दूसरे लाभेश, अष्टम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को विशेषतया ध्यान देने की आवश्यकता है और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जो कि जन्म कुंडली में व्यय का स्थिति को दिखा रहे हैं और व्यय को दिखा रहे हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य को और दाम्पत्य को बचाने के लिए स्थिति मेहनत करने वाली बनती है। चाहे कुछ भी हो जाए इसे बचाने का प्रयास ज़्यादा करिएगा, उनके स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का निरंतर चेकअप वगैरह कराते रहिएगा, क्योंकि सूर्य के साथ राहु और अष्टमेश का लग्न को देखना, अष्टम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति वाचाल हो जाता है और कई बार तीव्र गुस्सा और तीव्र क्रोध में पता नहीं क्या क्या बोल देता है। व्यक्ति की पत्नी वाचाल नहीं है लेकिन शांत भी नहीं है, ऐसी स्थिति में कि कई बार जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति या अष्टम भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव से बन जाए। अब यहाँ पे गौर करिए तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति बने बुध, वो जाकर के कहाँ बैठे, सप्तम भाव में। अष्टमेश का सप्तम में जाना थोड़ा कमजोर होता है पति और पत्नी के स्वास्थ्य और लाभ को कम करने के लिए। और साथ ही साथ अब इसका संबंध देखिए तो सप्तम भाव के अधिपति बने शुक्र, वो कहाँ बैठे, जन्म कुंडली में। इस भाव को अगर आप केंद्र में रखेंगे तो ये उसका व्यय करा रहे हैं, अर्थात दाम्पत्य को कई बार एक स्थिति में जाने के बाद कमतरी और कमजोरी में देखा जा रहा है। कई बार ऐसी स्थिति में अगर आपको अच्छा ना लगे, फिर भी कहना जरूरी है कि व्यक्ति कई बार किसी दूसरे के चक्कर में भी पड़ते देखा गया है और विवाहेतर संबंध भी बनते देखे गए हैं, भगवान करे ऐसा ना हो। अब आगे चर्चा करते हैं तो बुध की राशि बनी है जन्म कुंडली के लाभ भाव में, लाभेश होकर के केंद्र में आ रहे हैं। मैंने एक कार्यक्रम में बताया था कि जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति अगर सप्तम भाव से संबंध बना ले तो ये अच्छा होता है, लेकिन वो चूंकि अष्टमेश भी होते हैं इस वजह से वो कहीं ना कहीं प्रभाव करेंगे आपके चमड़े से संबंधित बीमारियों को देने के लिए। स्वेलिंग की समस्या हो जाती है, पसीना ज़्यादा आता है और कई बार व्यक्ति को चमड़े से संबंधित शिकायतों से दो चार होना पड़ता है। लाभेश का सप्तम में जाना ये ठीक है, शुभ ग्रह की राशि में गए हैं ये ठीक है, लेकिन सप्तमेश का व्यय में जाना ये ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ पे बुध जो कि जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो पत्नी
सुव्यवस्थित, सुंदर और श्रेष्ठ मानसिकता की आनी चाहिए। पत्नी जो है वो पति भक्त हैं, लेकिन फिर भी कई बार मन मुटाव वाली स्थिति जरूर बनती है, क्योंकि ये भाव जो है एक तरफ राहु और सूर्य से बैठा है, जो कि अष्टमेश के साथ संबंध में जा रहा है। अष्टमेश सप्तम में बैठे हों और व्यक्तित्व को जब देखेंगे तो कैसा बनाएंगे, थोड़ा सा रोग और थोड़ा सा व्यवधान जरूर देखेंगे, क्योंकि अष्टमेश कहीं भी देखे वो परेशान जरूर करता है। ये बुध की स्थिति है। अब देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करता हूं। आपकी कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, धन भाव के अधिपति, धन के कारक, वाणी और मृदु स्वभाव के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। वहां पे उनकी जन्म कुंडली में मूल त्रिकोण राशि बनी, यहाँ के अधिपति होकर के और पंचम भाव के अधिपति होकर के जा करके शत्रु भाव में बैठे हैं, अति शत्रुता के भाव को दिखा रहे हैं। 12वें भाव में बैठने से व्यक्ति को कई बार मेहनत का लाभ कम मिलता है। मैंने यहाँ पे चर्चा करी है, एक बात याद रखिएगा, आपकी कुंडली में आपको जन्म स्थान से दूर जाकर के एस्टेब्लिश होने का बड़ा अच्छा संयोग है। और एक बात और बता दूं तो जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अगर दशमी धन भाव के अधिपति होकर के 12वें जा रहे हैं तो व्यक्ति कई बार दूसरों से धन ज्यादा कमाता है और दूसरे की स्थिति का लाभ उठा करके ज्यादा धन कमाते भी देखा गया है। दूसरे की गलत और विपरीत परिस्थिति का कभी लाभ मत उठाइएगा। सुदखोरी का काम करेंगे तो वो नुकसान का कारण बन जाता है। भले ही उसका टेम्पररी बड़ा अच्छा मिलता हो रिजल्ट, लेकिन बाद में बड़ा तड़पाता है वो और सुदखोरी का काम बड़ा नुकसान वाला हो जाता है। अगर व्यक्ति लॉटरी, शेयर सट्टेबाजी और किसी ऐसे क्षेत्र में पैसे लगाना चाहता है जहां 2 रुपए लगाने पे 10 रुपए का लाभ हो तो लगा सकता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के हैं और यहाँ पे 2-2 पापक ग्रहों की स्थिति है तो ये स्थिति भी बनती है। तो जब भी पैसे लगाएं तो वक्त और सही वक्त जरूर देख लें कि वक्त उस समय का कैसा है। श्रेष्ठ समय पे लगाए गए पैसे आपको जरूर ही श्रेष्ठ फलदायी देंगे और होंगे भी। कारण, क्योंकि आपकी कुंडली में ये लाभ भाव बड़ा अच्छा बन रहा है। 2-2 पापक ग्रहों का बैठना, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह को देखना और साथ ही साथ वो आपकी कुंडली का भाग्य भाव का अधिपति भी है, और शुभ ग्रह की राशि में पंचम भाव में बैठा होना और साथ ही साथ लक्ष्मी योग का निर्माता भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में आप अगर शेयर सट्टेबाजी से धन कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, उसकी स्थिति है। लेकिन एक बात और बताता हूं, वृश्चिक लग्न के लोग थोड़े लालची होते हैं और चंद्रमा चूंकि आपकी कुंडली में पीछे खाली है तो बहुत ज्यादा लालच ना करिएगा और स्थिति को मेंटेन करके ही, क्योंकि अतिवादी होना बड़ा नुकसान कर देता है। और ऐसी स्थिति में आपके कई बार धन के ह्रास को भी दिखा रहा है, क्योंकि वास्तव में वो उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में भी बन रही है और वो मारक भाव में भी जा रहा है। तो दोनों स्थितियों को देखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा लालच से युक्त होकर के अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान भी दिखता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि धन लगाना तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आपकी कुंडली में गुरु की राशि यहां बनी पंचम भाव में और धन भाव में, वो जा रहे हैं 12वें। आप बाहर जाकर के और विदेश जाकर के कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5 सुख भाव पे पड़ेगी, हालांकि वो उनके शत्रु का भाव है और वहां के अधिपति होकर के षडाष्टक में है ये शनि, लेकिन 5वीं दृष्टि से जब जन्म कुंडली के सुख भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं माता के साथ संबंधों को अच्छा बनाने वाले लेकिन न्यायपूर्वक ही संबंध रहता है, ये भी गौर करने वाली बात है। तो 5वीं दृष्टि से जब गुरु देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुख प्रदायक होंगे और जीवन पर्यंत व्यक्ति धन धान्य लक्ष्मी और ऐश्वर्य का भोगकर्ता भी होता है। 7वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के रोग भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्या, एसिडिटी, जलन, और ये स्थिति आपकी कुंडली में अभी अगर मैं समझ रहा हूं तो कई पिछले 1-2 सालों से आई है, 2017 से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ करीब 2019 के 9वें महीने से आपके पेट से संबंधित समस्या के आने का और तीव्रता से देखे जाने का भाव दिखता है, क्योंकि गुरु की स्थिति बन रही है। वहां से 7वीं दृष्टि से देखने के कारण ये रोग भाव है और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं और साथ ही साथ ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु रोग भाव को देखेंगे तो व्यक्ति अपने ज्ञान के बदौलत अपने शत्रुओं को पराजित तो करेगा लेकिन कहीं ना कहीं शत्रुओं के वृद्धि होने का और रोग के और शारीरिक रूप से आदि व्याधि की स्थिति को मजबूत करने वाले हो जाते हैं। पेट में जलन, एसिडिटी, कब्जियत और रोग में लीवर आदि की समस्या को देखते बनता है। 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं दृष्टि यहाँ ये बुध की राशि को देखेंगे, यहाँ सूर्य बैठे हैं और राहु और गुरु का संबंध नवम पंचम का बन रहा है तो ये अंगारक योग भी बनाएगा, अंगारक नहीं
गुरु चांडाल दोष भी बनाएगा। हालांकि यहां पे सूर्य के साथ राहु बैठे हैं तो सूर्य को ये निगेटिवली प्रभावित कर रहे हैं, और गुरु जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव को नवी दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और तीव्र मेहनत करने के बाद व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ मिलता है। ये आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति। शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र आपकी कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति और साथ ही साथ उनकी दूसरी राशि सप्तम भाव में होती है जो कि मारक भाव है। आपकी कुंडली के लिए ये बाधक होंगे और कहीं ना कहीं अकारक होते हैं। ऐसी स्थिति में कि शुक्र जब छठे भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को कई बार गुप्त इंद्रिय या जनन इंद्रियों से संबंधित शिकायतों को देने वाला होता है। आपकी कुंडली में वैसे भी ये मृतप्राय है तो दाम्पत्य को ये थोड़ा कमजोर और मेंटेन करके रखने वाला भी होता है। अपने पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का और खास करके कटी प्रदेश का ख्याल, कमर के क्षेत्र का जो एरिया होता है इसका ख्याल या उसके निचले हिस्से का ख्याल जरूरी है। ये बात बनती है। शुक्र यहां बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति धन और ऐश्वर्य का मालिक होगा, अपने शत्रुओं पर विजेता और विजय प्राप्त करने वाला होता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो उसको अनुकूल करने का हमेशा 100% प्रयास करता है। और वहां से वो जन्म कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे अपनी राशि को तो व्यक्ति की तरफ ये इशारा करता है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही जाकर के बसे और दूर ही जाकर के रहे तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अब बात जन्म कुंडली में आपके अकारक ग्रह शनि की कर लेते हैं। तो शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ और तृतीय भाव के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न पे पड़ रही है। मंगल की राशि, मंगल के साथ बैठा होना और तीसरे दृष्टि से लग्न को देखने का मतलब है कि व्यक्ति के काम में विलंब और व्यक्ति थोड़ा सा न्यायप्रिय ज्यादा और न्यायप्रिय वचन को बोलने वाला होता है। यहां से आपकी कुंडली में ये कई बार आपके आलस्य को वृद्धि देने वाला, लेट नाइट तक जगने वाला और कई बार देर तक सोने का आदि बना देता है। आपकी कुंडली में राशि जो है वो मीन की बन रही है। इस आधार पर देखता हूं तो आने वाले समय में आपकी कुंडली में साढ़े साती का भी प्रभाव रहेगा। इस वजह से अभी से ही हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन 3 बार जरूरी है। अगर हो सके तो अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी की मूर्ति को जरूर रख करके उनके सामने बैठ करके लाल रंग के आसन पे और लाल ही रंग का वस्त्र धारण करके हनुमान चालीसा का नियमित पाठ 3 बार करना बनता है। क्योंकि लग्न पे शनि का प्रभाव, धन भाव पे मंगल का प्रभाव और साथ ही साथ इस शनि की 5-7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने के कारण कहीं ना कहीं ये आपके यश गौरव मान पद प्रतिष्ठा और दाम्पत्य के सुख को भेदने वाला और कमजोर करने वाली स्थितियों को दिखा रहा है। इससे बचना होगा क्योंकि लग्न पे शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके काम में विलंब और सुख, दाम्पत्य और श्रेष्ठता से आपके व्यक्तित्व को निखारने में असहयोगी से सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि ये मेहनत के फल को भी कमजोरी में ले जा रहे हैं, सुख के भाव को भी थोड़ा कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से ये बात बनती है। 7वीं दृष्टि की चर्चा मैंने करी, 10वीं दृष्टि तो 7 के बाद 8, 9, 10 अष्टम भाव पे देख रहे हैं। आयु अच्छी देंगे और वैसे भी आपकी कुंडली में आयु बहुत अच्छी है क्योंकि आप बुधवार को जन्म लिए हैं। तो बुधवार आयु के मामले में और आयु के भाव में बुध की राशि बनी वो मारक में गया, व्यय तो करा रहा है लेकिन आयु के कारक जो होते हैं वो शनि होते हैं और वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। वहां पे सूर्य राहु के साथ बैठे हैं। आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिएगा और अपने चारित्रिक हीनता के स्थिति को या चरित्र को नियमित रूप से एनालाइज करते रहिएगा और खास करके दुर्गा जी के मंदिर का अगर हो सके तो नियमित दर्शन करते रहिएगा। ऐसी स्थिति में आपके चारित्रिक दोष को ये कमजोर होने से बचा लेंगे। और कई बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी कुंडली में शुक्र मृतप्राय है, इस वजह से गौर करिएगा, ये कुंडली ये इशारा कर रही है कि व्यक्ति अपने दाम्पत्य को लेकर के थोड़ा सा कमजोरी को रखने वाला और दाम्पत्य में कमजोरी को दिखाने वाला होता है। गौर करिएगा तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है आपको अपने निरंतर नित्य रूप से अपने चारित्र का आकलन करना जरूरी है। ये आपकी कुंडली में शनि राहु केतु की स्थिति, तो राहु और केतु की स्थिति, केतु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, शत्रुहंता बनाएंगे और व्यक्ति के कई बार स्वास्थ्य में पेट से और लीवर से संबंधित रोग देंगे। 5वीं के बाद 7वीं दृष्टि यहां, राहु केतु के संबंध के बारे में मैंने चर्चा करी कि राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं डिग्री में देखें तो ये काफी दूर पे जा रहे हैं लेकिन फिर भी ये अष्टम भाव होने के कारण सूर्य निगेटिवली जरूर प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि दशम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता है। और यही कारण है कि पुराने ग्रंथों में, ज्योतिषीय ग्रंथों में ये कहा गया है कि दशम भाव के अधिपति अष्टम भाव में हो, 12वें भाव का अधिपति 12वें भाव को देख रहा हो और साथ ही साथ अगर चतुर्थ भाव खाली हो तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए अपने जन्म स्थान से काफी दूर जाना पड़ता है जो कि असहनीय होता है। यह आपकी कुंडली का अध्ययन था।
आपने जो कुछ सवाल भेजे हैं मैंने इसमें समेटने का प्रयास भी किया है। अगर गौर करेंगे तो आपके लगभग सवालों का उत्तर आज भी मैंने दिया है। बाकी स्पेशली मैं कल का कार्यक्रम आपके सवालों के ऊपर बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। इस लग्न कुंडली में जो सबसे मजबूत स्थिति है वो बता देता हूं। तो आपकी कुंडली में सबसे जो अच्छी स्थिति है वो चंद्रमा का यहां बैठना, साथ ही साथ आपकी कुंडली में यहां बुध का बैठना। हालांकि ये थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि वो अष्टमेश भी है, लेकिन अगर अवस्था के हिसाब से चर्चा करते हैं तो मंगल और चंद्रमा को एक दूसरे को देख लेना, शनि और मंगल का एक जगह बैठना जीवन में लाभ को देने वाला, शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि से लाभ देने वाला, लेकिन बहुत ज्यादा अतिवादी नहीं होनी चाहिए। सुदखोरी का काम बंद करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ किसी दूसरे के बुरे और विपरीत परिस्थिति का लाभ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धार्मिकता का पालन करना निश्चित रूप से जरूरी होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है तो जन्म कुंडली में लग्नेश अगर लाभ भाव में बैठ जाएं, जैसे कि वो बैठे हैं, एकादशवां भाव लाभ भाव होता है, तो ये लाभ तो देंगे, आप अगर कुछ भी ना करेंगे फिर भी लाभ मिलता रहेगा। कारण क्योंकि धन भाव का अधिपति एक मूल त्रिकोण राशि वहां पे निर्माण कर रहा है। धन भाव में गुरु के मूल त्रिकोण राशि का निर्माण होना और उस पे मंगल की दृष्टि का देखना, ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में लाभ तो कहीं कहीं से आ ही जाना है और व्यक्ति टेक्निकली बहुत ज्यादा अप्रोच करता है धन को और धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत रहता है। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप ही के कुंडली के सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।